الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لئن تمسكتم لن تضلوا من بعدي أبدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ اس بندے دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے جس ربائی ترتیب دیتی ہے یہ دے اندر آل سنت عقیدہ سمیٹ کے رکھیا ہے بندائے پروردگارم میں امت احمد نبی دوست دارے بولی حضرات دوست دارے کئیاں دی گنتی چاراں تے مک جاندی ہے کئیاں دی گنتی فقط پنجاں تے مک جاندی ہے کئیاں دی گنتی فقط باراں تے مک جاندی ہے سنی دعا مسلمانے جیڑا پنجاں نو وی منن والا ہے تو باراں نو وی منن والا ہے چاراں نو وی منن والا ہے مدنی دے سارے یاراں نو منن والا ہے دوست دارے پڑھئے پڑھئے دوست دارے
चार यारम ताबा औलाद अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खौक पाए गौसे आजम जेरे सायार वली इन अल्लाह वमलाइकतह युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ए ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम ए ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम ए ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम तेरी गोद विच सुते होए सबना शहीदा नो सलाम अली असगर नु सलामे अली अकबर नु सलामे गाजी अब्बास नु सलामे जुहैर बिन कैन नु सलामे हबीब इब्ने मजाहिर नु सलामे हज़रत अबू बकर बिन अली नु सलामे उमर बिन अली नु सलामे उस्मान बिन अली नु सलामे सबना शहीदा नो सलाम जिस दे विच मारिया ज़ैनब ने वाजा वीरनो जिस दे विच मारिया ज़ैनब ने वाजा वीरनो ओस अथरो डोल दी शामे गरीबा नो सलाम ए ज़मीने करबला तेरे नसीबा नो सलाम सदियों तो बंजर ते बेआबाद जमीने रतीला सुरख रंग दा रेगिस्तान है कोई बंदा इत्थों गुजरदा नहीं अगर कोई काफला गुजरदा है जल्दी जल्दी गुजर जांदा है हजरत मौलाए कायनात अली पाक शेरे खुदा ताजदारे हलाता करम अल्लाह वजहुल करीम आप जंगे सिफीन तो वापस आ रहे ने करबला दे मैदान जिन्नू मैदानी नैनवा भी किया जांदा है उस दे अंदर डेरे लगाए आपने छड़ी दे नाल निशान लगा के दसिया साथियों
ए ओ जगह जिथे सवारियां बिठाईयां जानियां ने जिथे खेमे लगाए जाणगे एथे शहादत आउणगियां मतलब अल्लाह वाले ओ मैदान नवाज सरजमीन करबला सदियां तो बंजर ते बेआबाद जमीन इमाम तेरी अजमत नु सलामे अपने खून दे नाल ऐसी आबियारी फरमाईए अल्लाह ने इस्लाम दे गुलशन पैदा फरमाए ने कयामत तक जिथे जिथे जिक्र हुसैन पाक हुंदा रहना है नाल जमीन करबला नु भी सलामियां मिलदियां रहनियां ने ऐ जमीने करबला तेरे नसीबानू सलाम तेरी गोद विच सुते होए सबना शहीदानू सलाम ताजदारे खत्मे नबूवत नारे रिसालत नारे तहकी नारे हैदरी कदर खूबसूरत बज़म तकरीब सईद फकीर उल मिसाल प्रोग्राम शानदार महफिल पाक मजलिस मुबारक शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह तआला मजमईन दियां मुकद्दस कुर्बानियां तो उन्हां दियां खूबसूरत बारगाहां दे अंदर अपनी मुहब्बतां दा खिराज पेश करने वास्ते इस दा इत्तमाम इनकाद है रौनक बज़म ज़ीनत महफिल हज़रत वाजिबुल एहतराम साहबज़ादा इज़्ज़त मुकाम जनाब पीर सैयद नदीम शाह साहेब ज़ीद शरफ़हू तशरीफ़ फरमाने और मेरे तो बाद जरा खसूसी खिताब है साढ़े मसलक के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब लामा जिल्लू आप भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं इंशाल्लाह कुछ वक्त बाद आप भी तशरीफ़ ले आएंगे और खिताब दिल नवाज होएगा और तुहाडे इलाके की बड़ी हर दिल अजीज शख्सियत पीर तरीकत राबल शरीयत हजरत साहिबजादा पीर सैयद शाह हुसैन शाह साहब कादरी जीद शरफ हो दामा जिल्लू और सरकार दिस खूबसूरत सना खान की भी महफल सजी है महफल सारे यार बैठे हैं बेगाने नहीं आका ताले बेदीदार बैठे हैं मरक का नाम लेना मुमकिन नहीं जिन्हें जिक्र दी महफल इस बैठे हैं यकीनन साढ़े नाम भी जानते हैं और साढ़े काम भी जानते हैं सजी है महफल सारे यार बैठे हैं बेगाने नहीं आका ताले बेदीदार बैठे हैं आना आपका बज़म में एक बार हो जाए हुजूर गर करम हो तो सबको दीदार हो जाए माशाल्लाह दिनिगाह तक इजमाए खूबसूरत माहौल चमकते चेहरे और सख्त गर्मी थे आपस के माहौल बैठ के जनाब बड़ी फराक दिली खंदा पेशानी हर आने वाले पढ़ने वाले बंदे वेलकम फरमा रहे हो फराक दिल का सबूत दे रहे हो अल्लाह दवा जाना च खैर फरमाए थोड़ी हूँ आमीन तुस आखने दुआ में दे छड़ी सारे बोलो ना जनाब जो बंदे नेरे च बैठे हो तुहाडे चेहरे महसूस हो रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह सब नू खैर बरकत नसीब फरमाए साहिबान ग्रामी कदर बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं और ना ही कोई लंबी चौड़ी तमीद है बिला तमीज़ जो अल्लाह चीज़ अर्ज करना चाहता है इरशाद रब्बे कायनात फज़कुरूनी अज़कुरकुम बंदिया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करांगा अल्लाह कीता वादा निभा रहा है यह जरा जिक्र हुसैन पाक हो रहा है ना पौनिया चौदह सदियाँ होने लगियां ने जिक्र इमाम हुसैन मिटिया और मिटेगा इंशाअल्लाह नहीं मिट नहीं रहा वाकिफ हैं इस बात से जमाने वाले जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे ऐ शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले जिक्र हुसैन पाक मिटिया नहीं और मिटना भी तुसी बिला तमी बिला झिझक बोलो मैं बात ठीक कह रहा हूँ जिक्र इमाम हुसैन मिटना बड़ी बड़ी तनजीमां तहरीकां जमातां बड़े बड़े उलमा ने बकायदा ये जनाब नाकाम मनसूबे बनाए जिक्र हुसैन पाक मिट जाए बल्कि थोड़े चंग के इलाके का एक बदबख्त नाम है जो मैं जुबान से लिया के जुबान गंदी नहीं करना चाहता
ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਖੁਰਾਫਾਤ ਵਲ ਬਕਵਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਮਿਟਿਆ। 14 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਮਿਟਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। खान पीन नू कोई शै ना होवे, आका हुसैन पाक दी हसब नाल दा हसब कायनात चलन ने पैदा ही कोई नहीं फरमाया। हुसैन पाक जन्नती जवानां दे सरदार ने, वालिदा मुहतरमा जन्नती औरतां दी सरदार, मौला अली जन्नत दे टिकटां दे मोहरां लाण के किहड़ा पासा मड़ वे, क्यों गरीब कहते हो? उजड़िया हुसैन नहीं कहना, खुदा दी कसम उठा के आदा, ए पौणियां 14 सदियां अंदर जिवें जग च मैनूं हुसैन वसदा नजर आउंदा है ना, इवें कोई नजर ही नहीं आउंदा। असा फिर हुसैन नूं आखणा की है? उजड़िया आखिए, गरीब आखिए, या जनाब माज अल्लाह मरिया हुसैन आखिए? साडा चिश्तियां दा बादशाह कई सदियां पहले कह गया हुसैन नूं गरीब नहीं आखणा, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह बोलिए बादशाह अस्तु हुसैन, हुसैन नूं गरीब नहीं आखणा, शाह भी हुसैन है बादशाह भी हुसैन है। हुसैन गरीब नहीं, शाह भी हुसैन है ते बादशाह भी। अबर हाय हुसैन या को वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन। हां जी, अल्लाह कीता वादा निभा रहा, रब अल्लाह फरमाता तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करांगा। या अल्लाह मेरी कितनी जिंदगी है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, मैं आखिर मर जाना है, मैं बंदा, मैं फानी हाँ। अल्लाह फरमाता जिन्नी तेरी जिंदगी तू मेरा जिक्र करके जा ना, फिर जब तक हय्युन कय्यूम ना लोगों दी जुबाना ते तेरा रब तेरा जिक्र जारी हो सारी फरमा दे। अल्लाह जिक्र नहीं मिटन देंदा। 978वां उर्स पा गुजरे दाता गरीब नवाज दा है जी, ते तुसी रात दे 2 बजे टुर जाओ ते भावें रात दे 4 बजे टुर जाओ सुबह दे, तुहानूं माल रोड ते हाल रोड जिहड़े बड़े मतलब आबाद ने ओह ते बेआबाद नजर आउणगे, पर दाता दी कबर अल्लाह दे जिक्र नाल आबाद नजर आएगा। अल्लाह कबर दियां पत्तियां भी कदी मैलियां नहीं होण दित्तियां। दाता गरीब नवाज नूं 1000 साल विशाल हो गया है। ए जनाब बाबा फरीद पाक दा उर्स पा गुजरे है, ए मुहर्रम शरीफ अंदर ही सुल्तान बाहू सरकार पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी, मैं केड़ी-केड़ी हस्ती दा नाम लवां। अल्लाह जिक्र नहीं मिटन दिता क्योंकि इन्हां रब दा जिक्र कीता है। अल्लाह इन्हां दा जिक्र जारी हो सारी कीता है, इन्हां रब दा जिक्र कीता है मिंबर ते मुसल्ले ते बह के, ते रब जिक्र मिटन नहीं दिता। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਏ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਣ ਦਿੰਦਾ? ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, नारे हैदरी। आका हुसैन ने सड़दा खंजर थल्ले कीता है, कुरान नेजे उत्ते पड़िया है। तुहाडे च बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हां दे भाई फौत हो गए, कईआं दे बेटे फौत हो गए, बाप बड़ी प्यारी हस्ती हुंदा है, माँ बाप टुर गए, लेकिन साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजरन तो बाद याद कमजोर पै जांदी है, हैं जी, गम ओह नहीं रहिंदा। अक्का तेरी अजमत नूं सलाम हुसैन पाक, पौणियां 14 सदियां हो गईआं ने, लोकां नूं अपने मरे वीर ते भुल गए ने, पर सईदा ज़ैन पाक दा वीर नहीं भुलिया। हर रोज नवे अंदाज जिक्र, हर और फिर अल्लामा इकबाल कहिंदा ता कयामत कत्ते इस्तिबदाद कर खूने वो चमन इजाद कर दे। अल्लामा कहिंदा इमाम हुसैन ने जबर ते जुल्म इस्तिबदाद दे सामने ऐसी दीवार पैदा कर दी है, ऐसा खत और लकीर लगा दी है, जुल्म और जबर जितना भी कबीयत ताकतवर हो जाए हुसैन ये तो क्रॉस नहीं कर सकता। खूने वो चमन इजाद कर जिते आका हुसैन पाक के खून पाक के कतरे डिगे ने, अल्लाह ने इस्लाम के चमन पैदा फरमा दिते। बादशाह गुजरे ने, ए जनाब मुगलिया खानदान दी दास्तानां ते सिकंदर आजम दा जिक्र बड़ा मिलता है, कितने नहीं याद है जनाब।
जलसा होंदा कोर्स होंदा नहीं ना इन्हें जिन्हें भी सलाती ने जमाना सन इन्हें जिन्हें भी कारनामे सर अंजाम दिते ना ओ अपनी इज्जत ते वकार वास्ते या दौलत दे अंबार वास्ते ते या फिर इक्तदार वास्ते आका हुसैन ने दश्ते बला अंदर तपदे शहरा अंदर खानदान दे के बच्चे भतीजे भांजे तन मन धन जर जमीन अपनी पाक जान दा नजराना दे के जेड़ा कारनामा सर अंजाम दिता है ना ओ कोई इक्तदार वास्ते नहीं ओ मालो मनाल वास्ते नहीं ओ जारी वकार वास्ते नहीं बल्कि रजाए यार वास्ते दिता है मिंबर दे तकद्दस दी कसम उठा के आदा हुण नहीं कयामत तक कायनात पुकार पुकार के आखेगी दुनिया वाले ओ अकबर वर्गी अजान कोई नहीं पढ़ सकता हुसैन वर्गा कुरान कोई नहीं पढ़ सकता हुकूमत बरतानिया के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और उन्हें कहा जी जबर की हुकूमत है हम अंग्रेजों के मतहत नहीं रह सकते उन्होंने बंदे समझाया भी एड्डी वड्डी साम्राज्य ने टक्कर लैन लगा है इधर सूरज तलू हुंदा है तो उधर बरतानी डुब जांदा है यानी जिदी सल्तनत सूरज चढ़ता भी तो लेंदा भी तेन डर नहीं लगता हिंदू हो के उस बड़ा खूबसूरत जुमला बोलिया हो सकया ये जुल्म और जबर की हुकूमत है और जुल्म और जबर के साथ टकराने के लिए मेरे सामने हुसैन इब्न अली का किरदार मौजूद है और हिंदू हो के बड़ा खूबसूरत जुमला कह गया पता की आखता है जोकवत में सुना दिया हिंदुओं के कहता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन इस्लाम को जिंदा किया ज्यादा नहीं आता तो तू ने तो जुमला सबने बोलना है या हुसैन इस्लाम को जिंदा किया तूने हक़ो बातिल बता दिया तूने और जी के मरना तो सभी को आता है जी के मरना तो सभी को आता है मर के जीना बता दिया तूने मर के जीना बता दिया तूने हदीस पाक शरीफ पढ़िए हदीस करीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी तरकतु फीकुम सकलैन फरमाया मैं तुम्हारे को दो अजीम शैवा छोड़ के जा रहा बड़ी मेहरबानी तो जो हजरात दी मैं तुम्हारे को की छोड़ के जा रहा दो अजीम चीजा केड़ियां किताबुल्लाह वाइत्रती अल्लाह दा कुरान ते अपनी अहले बैत नबी पाक सरकार किड़ी शेवा छोड़ के गए ने तुसी बड़ी मेहरबानी 5 मिनट दे दियो मैनूं तवज्जो को फरमाओ बाद च फिर जेड़े पासे मर्जी वेख्या जे किन्नियां कि चीजां सरकार छोड़ के गए ने केड़ी केड़ियां अल्लाह दा कुरान ते अपनी अहले बैत ए बड़ा खुसूसी ऐलान है सरकार ने बड़ी शफकत फरमाई ऐलान फरमाया ते हुजूर देख किनूं गए ने जी हजूर मुखातब किन्ना नाल ने तुसा लंबे सफर ते जाना होवे ते घर दी चाबियां किसी दुश्मन नूं देख जांदे हो कि सज्जन नूं देख जांदे बोली दसी हजरात अल्लाह दा कुरान पढ़ी अल्लाह शाल जो मकमल तो लकुम दीन अकमत मम तो अलैकुम नियमती वरदी तो लकुम इस्लाम दीना 23 साल दे तवील तरीन अरसे दे अंदर जेड़ा कुरान शरीफ कलबे मुस्तफा ते नाज़िल होया है ए जनाब 6666 आयत ए 540 रकू ते 3 सिपारे ते 7 मंजिला कुरान दियां 114 सूरतां पाक नबी सरकार एरा वगैरह लोगों नूं नहीं देख गए बड़ी खास ते आला शाह फरमाया मैं अल्लाह दा कुरान अल्लाह दी किताब ते अपनी अहले बैत तुहानू देख जा रहा
ते नबी पाक देख किन्हां नूं जा रहे ने अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर बिलाल सुहेब रूमी सलमान फारसी अमीर मुआविया मेरे नबी दा हर सहाबी नबी पाक दे इस खिताब दा मुखातिब है। फरमाया सहाबा अल्लाह दा कुरान ते अहले बैत तुहानूं दे के जा रहा लाइन तमसक तुम लन तदिलो निम्बादी अबदा। फरमाया मजबूती नाल पकड़ी रखा जे मेरे बाद कदी गुमराह नहीं होवोगे। बड़ी माजरत नाल अर्ज़ है नबी पाक कुरान ते अहले बैत जिन्हां नूं दे के गए ने अज भी अलहमदुलिल्लाह कुरान भी उन्हां कोल है ते नबी दी अहले बैत दा प्यार भी उन्हां कोल है। तुसीं ना बोलो ते खयानत करोगे। हजूर मुखातिब किन्हां नाल है भाई जनाब हसन पाक हुसैन पाक सईदा कौन है मौला अली सर एते हो गए अहले बैत पांच तन पाक सरकार दी अजवाज भी शामिल ने बिनात भी शामिल ने लेकिन ये सरकार मुखातिब किन्नू ने जी साहबा नु किन्नू मुखातिब ने जनाब सईद सिद्दीक पाक सरकार बाहर निकले हजरत हसन पाक मिल गए उन्होंने चुके कंधे ते उठा लिया। एक रवायत हुसैन पाक मिले चुके दूसरे कंधे ते उठा लिया ते मदीना शरीफ की गली चक्कर लगा रहे अपने पीर साहब ने वेख्या अपने पोतरिया दो तरह चुके चक्कर लगाते हैं नहीं ना लोग आते बच्चे ना प्यार करो पर घर की चार दीवारी करना चाहिए बात शर्म आती सदके जाइए मिजाज शनासे नबूवत है ये हुस्ने नबूवत दी तजल्ली है अव्वल है ये नबी दा यारे गार भी है ते यारे मिजार भी है इन्हे कंधिया ते चुकिया ते जनाब गलियां च चक्कर लगा रहे किसे पूछे अबू बकर ए ते अली दी औलाद है फरमाया अल्लाह दी इज्जत दी कसम है अपनी औलाद तो मैनूं अली दी औलाद ज्यादा प्यारी लगती है इस वास्ते मेरे नबी जो फरमाया है कि मैं तुहानूं किताब किताबुल्लाह भी देख के जा रहा हां अपनी अहले बैत भी देख के जा रहा हां। सरकार ना खेल दिया लड़ाई नहीं हुई आपने फरमाया कि जा आसान तेरे नहीं खिडांदे हुसैन पाक ने फरमाया है तो मेरे नाने दे गुलाम दा पुत्र ही है ना बड़ी मारूफ रवायत है अपने बजी को कहे शिकायत लेके नहीं खुशखबरी लेके बजी मैंने हुसैन पाक ने इंज आख्या अगर अगे भी उमर बिन खत्ताब है ना फरमाया बेटा जे हुसैन पाक ने इंज आख्या तो जा कागज कलम ते लिखवा लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के उन्हें कहा हुसैन पाक जो तुसा फरमाया लिख दियो लिख दिता कि अब्दुल्ला बिन उमर मेरे नाने के गुलाम उमर का बेटा है लिख दिता अब्बा जी मैं लिखवा लिया। फरमाया पुत्रा रख लै जो तेरा बाप दुनिया तो टुर जाए ना उमर दे कफन च रख देना नकीरैन ने कबर के अंदर सवाल करना है मार रब्बो का ते मार दीनो का केड़ा दीन लेके आया है मैं दिखा के आखांगा फरिश्तियो उमर नबी दा भी गुलाम है ते नबी दी आल दा भी गुलाम है। ओए भैया असा उमर बिन खत्ताब नु नहीं मनदे जेड़ा नबी दी आल दा दुश्मन होवे असा उमर बिन खौस उमर नु मनदे ही नहीं जेड़ा नबी दी आल दा हक खाण वाला होवे असा उमर बिन खत्ताब नु जानदे ही नहीं जेड़ा सारा पाक दी बेअदबी करन वाला होवे असा ते उस उमर नु मनने आ जेड़ा अल्लाह दे कुरान दा भी इत्राम करन वाला ते मुस्तफा दी आल नाल भी प्यार करन वाला है। ताजदार खत्म नबूवत ए नारा हर दौर दी जरूरत रहा और ए जरूर मारया करो अल्लाह तुहानू बादशाह रखे तुहाडे चन्योड़ दी सरजमीनों जी मकरूज इस नारे दी तुहानू ते बहुत ज्यादा नारा मारना चाहिए गली गली नगर नगर माशाल्लाह बड़ा बड़ी चार्जिंग बड़ा जोक है चन्योड़ दे पूरे इलाके च अल्लाह पाक सलामत रखे बादशाह रखे ताजदार खत्म नबूवत कई लोग नारा मारदे ताजो तख्त खत्म नबूवत ताज भी जिंदा तख्त भी जिंदा असीं आने नी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार जिंदा है फिर तख्त भी जिंदा है फिर ताज भी। सुनिए जनाब एक मई आ गई मदीना शरीफ हजरत सैयदना फारूक आजम सरकार का दौरे खिलाफत आखन लगी जनाब मैं गरीबनी हाँ तो किसी को पैसे उतारे दिरहम दिनार मंगे ते तेल लिया ते मिट्टी के बर्तन च लैके जा रही हूँ बेचांगी असल कीमत वापस कर देंगे मुनाफा रख लवानगी तो हजरत ठुडा लगे डिग्गिया मिट्टी का बर्तन टुट गया तेल रुड़े है तो जमीन पी गई है सैयद ना उमर बिन खत्ताब खुद जाए मजकूरा तशरीफ लै गए तो मई ने आख्या बर्तन मंगवा लै मई ने बर्तन मंगवा लिया उत्ते खलो के आख्या उमर दे होंदे एडी ना इंसाफ उमर दे होंदे एडी ना इंसाफ एक रवायत च एड़ी मारी एक रवायत च कोड़ा मारिया इंज फवारा निकलिया जिवें पानी निकलता है पर मैं बीबी अपना पूरा कर लै बड़े न्याजमंदी बड़े धीमे लै जाना कहना जेड़ा उमर
एक रियाया दी माई दा तेल जमीन नूं नहीं पीण देंदा, वह नबी दी आल दा किसी होर नूं किवें खाण दे सकदा है। इस वादी असां दियाने आ बणी यार नबी दे आ, बोलिए बोलिए बणी यार नबी दे आ, यारां दा बणी यार नबी दे आ, यारां दा नहीं मनदा ते आ चल मदीने, नहीं मनदा ते आ चल मदीने, उत्थे वेख लै जोड़ मजारां दा, उत्थे वेख लै जोड़ मजारां दा। शेख शादी शराजी फरमाउंदे ने, मैं एक दिन हमाम दे अंदर आके बैठा हूं, एक बंदे ने मैंने मट्टी फड़ाई है, जिसले मैं मट्टी नूं सुंघिया है, उस मट्टी विचों गुलाब दे फुल्लां दी खुशबू आ रही है। मैं पुछिया मट्टी नूं मुखातिब करके, है तू मट्टी है, तेरे विचों खुशबू क्यों आ रही है? मट्टी आखदी है ते मट्टियां पर चंद घड़ियां, मेरा ताल्लुक फुल्लां दे नाल रहा है, इस वास्ते मेरे विचों में खुशबू आ रही है। अल्लाह वाले ओ, जे मट्टी चंद लम्हे या चंद घंटे फुल्लां नाल रवे ते खुशबू आउंदी है, उस अबू बकर ते उमर दा की मुकाम है, जिन्हां दियां मुबारक कबरां सदियां तो मुस्तफा दी कबर दे नाल बणियां होईयां ने। फिर पढ़िए मेरे नाल, बणी यार नबी दे आ, यारां दा नहीं मनदा ते आ चल मदीने, नहीं मनदा ते आ चल मदीने, उत्थे वेख लै जोड़ मजारां दा, उत्थे वेख लै जोड़। सुनिए जनाबे गिरमी कदर, खाने काबे दा मंजर है, लोग तवाफे काबा कर रहे ने, हसरात हसनैन करीमैन की गल कर लेने, हजरात हसनैन करीमैन नबी दे शहजादे ने, जिन्हां वास्ते आसमाना तो जनती जोड़े आ रहे ने, कदी जनाब आसमाना तो जनती खाने आ रहे ने, मेरे नबी पाक सड़ दे अंदर ने हुसैन पुश्ते सवार हो गए ने, सड़दा लंबा हो रहा है, कदी हिरनी बच्चे लैके आ रही है। एक मुहब्बत वाला कहिंदा है, नाजल जिन्हां दे घर विच कुरान होया, ते जिब्राइल भी आवे दरबान बन के, बाप जिन्ना दा रिया लड़दा हर मैदान विच कुल्ले ईमान बन के, ते मां जिन्ना दी फातिमा जहरा होवे, नाना जाए अर्श ते मेहमान बन के, बाग दीन दा होण वीरान लगाओ, करबला वल गए निगहबान बनके। काबे शरीफ दा माहौल है, लोग तवाफे काबा कर रहे ने, एक बोलन वाला बोल के आंदा है, तवाफे काबा करन वाले ओ, रस्ता दे दियो, नबी दा नवासा हुसैन आ रहा है। हज़रात नमाज़ां पढ़न वाले मुअख्खर कर दित्तियां ने, तवाफ नूं मुअख्खर कर दिता गया है, आका हुसैन नूं जिहड़ा बंदा वेख लैंदा है, वो पैरां नूं चुमदा है, हत्थां नूं बोसे दे रहा है, वो कपड़ियां मुबारकां नूं मस करदा है, हज़रात अकीद तो मुहब्बत एहतराम किया जा रहा है। एक बंदा बोल के आंदा है, हुसैन नूं चुमण वाले ओ, तो कपल ही ना वाहे ना, अगर चुमना है तो तुसी हजरी अस्वद नूं चुमो, रुकने यमानी नूं बोसा देवो, जिन्हां नूं अल्लाह दे रसूल ने चुमिया है। एक मुहब्बत वाला खड़ा है, कि आंदा है, साडा हज खराब नहीं होना, साडा तवाफ जाया नहीं होना, इस वास्ते हजरी अस्वद नूं नबी पाक ने एक बार चुमिया है, हुसैन नूं नबी पाक ने बार बार चुमिया है। मियां साहब फरमाउंदे ने, रूमी कश्मीर कदर औलाद दा मां प्यो जाने, ते की जाने लोक
कदर हुसैन दा फातिमा जाने ते या जाने हुसैन दा नाना वाकया करबला तू वापसी दे इमाम हुसैन सरकार दे सारे अनवर दिया चंद करामात ने मैं एक दो बयान कर देना क्योंकि वक्त दम च गुंजाइश भी इतनी 12 बजने वाले और दूसरे खतीब तक भी नहीं खाना चाहिए हक खान तुम्हारा वक्त खाना है लेकिन तुम और मतलब ना ला लियो आका हुसैन पाक का सर मुबारक तन मुबारक तो जुदा है नेजे दे नुक्ते चढ़िया है अल्लाह दे कुरान दी तिलावत भी जा रही है ते मुस्तफा दे दीन दी तबलीग भी जा रही है सर अनवर वाला ने दा हजरत सैयदना इमाम हुसैनुल्लाह आबिदीन पैगंबर एगम सैयद सज्जाद वाकया करबला तो 40 साल बाद जिंदा रहने वाले कदी भी अखा दे कदी भी लबा दे हासा नहीं आया जदों भी आया अखा चो पानी आया है वो इमाम ज़ैनुल्लाह आबिदीन जनाब नेज़ा मुबारक फड़िया है करबला तो 90 मील का फासला कूफा फिर जनाब दमिश्क फिर दरबार अजीर यानी मुल्क शाम के अंदर ऐ फिर मदीना पाक का वाप सफर फरमाया है सरे हुसैन पाक न जिस वे जनाब और जनाब बहात्रा के नाल कई सर मुबारक नेज़िया के टंगे जा रहे हैं लटका के कूफे वल जाया जा रहा है पहली मंजिल जड़ी आई है बल्दुल हैरान हैरान बल्द कहते हैं शहर हैरान मतलब उस शहर का नाम है बल्दुल हैरान हैरान शहर यह जो फरमा रवा है ना कि यहूदी है तो अढ़ेर उम्र है वो अखा जो पलकों में झुकिया हुई ने छुपिया हुई ने कमर झुकी हुई है अपने बाला खान की छत पर बह के बाइबल की तिलावत कर रहा तिलावत कर रहे वो जनाब ईसाई मतलब रखन वाला आका हुसैन पाक दा सरे अनवर वाला नेदा जिसले लेके जनाब गुजर रहा काफला जिसले सरे अनवर वाला नेदा सामने होया है आका हुसैन पाक ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया है किताब मेरे को हुन भी मौजूद है रौदतु शुहदा अल हयातुल खफी सिर्रु शहादतैन अनासरु शहादतैन और जनाब हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुअद्दस दिल्ली सरकार वर्गियां बुजुर्गां ने वाकया करबला ते फरात व तफरीत तो पाक किताबां लिखियां ने सरे अनवर वाला नेज़ा जिसले सामने होया है आका हुसैन पाक ने अल्लाह दा कुरान पढ़े है फरमाया व सयअलमु लजीन ज़लमु अय्यामुन अल्लाह दा कुरान जिसले पढ़िया है पूरा हैरान हो गया कट्टे सर नाल कुरान पढ़ने वाला आज तक मैं नहीं वेखिया नीचे चाण के वेखदा है हजारा फरात मुश्तमिल काफिला जा रहा है जल्दी ना नीचे उतरिया आवाज दे गया दा लोगो मेरे शहर विच इतना बड़ा काफिला गुजर रहा मैनु खबर नहीं रुक जाओ रुकदियां रुकदियां कुछ वक्त लग गया है जनाब चलदियां चलदियां नेदे दे कोल गया जाके सवाल करदा है काफले वाले ओ दसो ते सही बंदा कौन है थड़ नाल कोई नहीं फिर भी कुरान पढ़ी आंदा है शिमर दिल जौशन की दसदा खौली बिन यजीद की बयान करदा अमर बिन साद की बयान करदा सैयद सज्जाद इमाम ज़ैन लाबदीन ने फरमाया फरमाया बुजुर्गा किसे आम बंदे दा सर नहीं ए मदीने वाले हुसैन दा सारे ए लखते जिगरी अली मुर्तजा दा सारे मदीने वाली जहरा दे बेटे दा सारे उन्हें के हैरान हो गया उन्हें के ओ बदबख्त मुसलमानों 50 साल होए ने तुहाडा नबी तुहाडे तो जुदा आया है अपने नबी दी आल ना बुरा करने वाले हो तुफे तुहाडे उत्ते हजरात दे गिरामी कदर हजरत आका हुसैन पाक दे सर वाल हाथ जोड़ के आंदा सैयदा मैं तेरे नाने दा कुरान नहीं पढ़िया तेरे नाने नाल मुलाकात नहीं कीती तेरे कट्टे थड़ सर विचों कुरान सुन के गवाही देना वा तू भी सच्चा है तेरे नाने दा कुरान भी सच्चा है तेरे नाने दा दीन इस्लाम भी सच्चा है बदल लबा दे कलमा जारी हो गया कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया पुछदा सैयदा
आखन लगा अपने नौकर नू मेरियां दो बीवियां त्रै बेटियां बुला लियाओ वह भी इन्हां दे हत्थां दे जनाब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावन सारा घर नूरे ईमान नाल जदों चमक आए लगा तबलीग करन कहन लगा ओ नाम ने आद मुसलमानों तोहफे तुहाडी ऐसी मुसलमानी दे उन्हें क्या बाबा गल सुन ये साढ़े घर का मामला है उस आखिया हूँ तुहाडे घर का मामला नहीं रहा मेरी ईमानी गैरत का मामला बन गया है सिर मैनू दे दियो मैं इनू तदफीन करांगा इहदी तासीम करांगा हजरात सिर नहीं देंदे बाबे तलवार कढ़ी मुखासमा होया मुजादला चंद में लड़ाई झगड़े तो बाद गहरे जख्म लगे यहिया हैरानी बूढ़ा बाबा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कदमा चाया है इमाम पाक वेखिया बाबे दी अखां च मोटे मोटे आंसू आ रहे ने अपने फरमाया बुजुर्गा रोना क्यों है तकलीफ हुंदी आ उस आखे सैयदा दर्द दी वजह तो नहीं रोंदा एक सवाल मैनू खाई जांदा है ओदा जवाब दियो मैं जान अल्लाह दे सपुर्द करां आपने फरमाया बयान कर कहन लगा सैयदा बूढ़ा हो गया चिट्टे वाल हो गए ईसाई मजहब के अंदर रह के तेरे नाने का कलमा पढ़ लिया है पिछलियां टुर गईया अगों पढ़ी कोई नहीं मैं सुनिया पंज नमाजा पढ़निया पैंदियां रमजान आवे रोजे रखने पैंदे तौफीक होवे ज़कात फिर तौफीक होवे ते हज पिछलियां ते जाया हो गईया अगों पढ़ी कोई नहीं मौत दी वादी वल टुर पिया वा सवालो जवाब आवणे होने ने मेरी जन्नत दा की बनेगा सैयद चेहरे वल वेख के आंदा है इन डाढ़ियां औखियां रावां ते मैं टुर पिया तेरे सहारे ते इन डाढ़ियां औखियां रावां ते मैं टुर पिया तेरे सहारे ते मेरा ख्याल रखी हरे मंजल ते जदों डोला सामने तू होवे ऐसा नक्श पक्के तेरा महबूबा अख खोला सामने तू होवे अख मीटा ते होवा कोल तेरे अख खोला सामने तू होवे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी पीर तरीकत रहबर शरीयत वाकिफ रमूज हकीकत पर वुरदाए अगोश विलागत साहबजादा पीर सैयद शाह हुसैन कादरी साहब दामत बरकात मौलालिया कुदसिया और खतीब ज़िशान अजीम नुक्तादान फजीउल लिसान मुल्क मिल्लत दी खूबसूरत आवाज खूबसूरत नाम हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब तशरीफ लाए समीन कल्ब तो खुश आमदीद वेलकम जी आया अहलन व सहलन मरहबा अब आप तशरीफ रखें बहुत मेहरबान हजरत तशरीफ रखिए माशाल्लाह अहलन व सहलन मरहबा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब दामत बरकात मुरालिया आप स्टेज जलवागर हैं अहलम व सहलम मरहबा खुश आमदीद कहने और पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा पीर सैयद शाह हुसैन शाह साहब कादरी जीद शरफ हु दाम जिल हुआ रहना आप भी जलवा करो अल्लाह ताला उलमा व सादात की बरकत सब सबनों अता फरमाए सरे अनवर कट गया है नेज दे चढ़ गया है अल्लाह दे कुरान की तिलावत भी जा रही है मुस्तफा पाक दे दीन की तबलीग भी जा रही है मेरा ख्याल 12 बज गए ने मैं मुनासिब नहीं समझता कि मजीद वक्त लिया जाए हजरत भी बड़ा लंबा 4 घंटे का तकरीबन सफ़र करके खाने वाल तशरीफ ले आए ने तो इन्हों का खिताब भी सुनना चाहिए बात सिर्फ इतनी है कि हुसैन अगर ना होते शहीद आज घर घर में होता यजीद नबी की सुन्नत आया ना होती खुदा के घर में अजा ना होती बशर के चेहरे पर जंग होता
इंसानियत का और ही रंग होता। हुसैन इनकलाब लाया, वफा की ऐसी किताब लाया, उनवान है जिसका शहादत, हुसैन जिंदा ता कयामत, हुसैन जिंदा ता कयामत। अल्लाह ताला का हुसैन सखी लजपाल आप दिरोफकाए तैयबात व मुकद्दसात दिए, मुबारक कुर्बानी दे सदका सानू कामिल उल ईमान बनाए। अल्लाह वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान ते रहम फजल फरमाए, आलम इस्लाम दी खैर फरमाए। माअलिया इल्ला अल बलागुल मुबीन।